आपके स्क्रीन के ऊपर एक चीज रख रहा हूं लिखा है पाप को एक वायरस की तरह देखना होगा जी मैं फिर कह रहा हूं जितने यूट्यूब के लोग हैं आप भी ध्यान से सुनेगा फिर से रख रहा हूं आप सभी इस चित्र से वाकिफ हैं कभी कभी चित्र पूरा बात कर जाता है जिसके चलते मैं चित्र का सहारा लेता हूं ताकि आपको बता सकूं कि यह चित्र क्या है यह चित्र बताता है पाप ना इसको एक वायरस की तरह देखना होगा मैं वायरस वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं इसलिए नहीं क्योंकि आजकल कोरोना वायरस है जी नहीं मैं ये अगर नहीं भी होता तो भी उसको वायरस ही कहा जाता अगर मैं दो साल पहले यह टीचिंग देता तो भी शायद पवित्र आत्मा यही कहता कि डैनियल इसको वायरस का नाम दो तो मैं वापस कहता हूं इसका कोरोना वायरस से कोई कनेक्शन नहीं है वापस आते हैं एक ऐसा पाप जो आज से ठीक 2000 माफ करें 6000 साल से भी ज्यादा जब से आदम ने यह गुना किया या जब से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसके बाद उत्पत्ति के तीसरे में यह घटना घटी जिसका जिक्र मैंने कल किया था कि परमेश्वर अपसेट हो गया उसके बाद से ये पाप को मैं एक वायरस का नाम दे रहा हूं और इसको वैसे ही सीखना होगा जैसे अभी आपके बीच में मैं इसको रख रहा हूं ना जो लिखा है फैल गया पूरे संसार में जी दोस्तों जो कि फैल गया पूरे संसार में ना यूट्यूब के जितने लोग हैं आप लोग भी इस बात को समझ समझना होगा कि पाप को एक वायरस की तरह देखना होगा जो फैल गया है पूरे संसार में ना बहुत ध्यान से देखिएगा इस पाप के वायरस का एक ही काम है जी वापस कहता हूं इस पाप के वायरस का एक ही काम है और जानते वो काम क्या है अपनी लालसा पूरी करना या पूरी कराना मैं रिपीट करता हूं इसका एक ही काम है कि अपनी लालसा जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत सारे मिले जिसमें से कुछ आपके बीच में रख रहा हूं जो कि स्लाइड्स पे नहीं होगा बट मैं ऐसी कह देता हूं सबसे पहला शब्द है लस्ट और दूसरा शब्द है डिजायर जी मैं रिपीट करता हूं एक शब्द है लस्ट और दूसरा शब्द है डिजायर जिसको कहते हैं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए तो पाप ने सबसे पहला अपना जो वायरस फैलाया उसको कहते हैं कि उसने अपनी लालसा जिसके चलते वो कह रहा है मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए और मनुष्य ने जिस दिन से पाप किया क्योंकि ये डीटी है उसके हिसाब से मेरा फर्ज है कि मैं आपको डिटेल में समझाऊं जिस दिन से मनुष्य ने पाप किया उस दिन से उस दिन से ये वायरस एक चीज पे फैला है और वहां है लालसा जिसको कहते हैं डिजायर या जिसको कहते हैं लस्ट ना वचन आपके बीच में रख रहा हूं आपके बीच में रख रहा हूं लिखा है योना की किताब उसका आठ का चौवालीस बहुत ध्यान से देखिएगा लिखा है तुम अपने पिता शैतान से हो जानते हो क्यों क्योंकि यीशु कहता है और, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो इसको कहते हैं ईशु ने एक ऐसी बात पर से पर्दा उठाया यूट्यूब वालों और जूम के जितने लोग हैं प्रभु के लोगों ध्यान से सुनेगा यीशु मसीह ने एक ऐसी बात पर से पर्दा उठाया जिसको लूक माफ करें योन्ना की किताब उसका आठ का चवालीस जॉन एट फोर्टी फोर में रिकॉर्ड हो गया है ईशु के मुंह से कहता है कि शैतान की अपनी एक लालसाएं हैं ये जो शब्द है लालसाओ यह सिंगुलर नहीं यह प्लूरल वर्ड है जिसका मतलब है यह एक नहीं बहुवचन है जिसको लुसीफर अपनी लालसाओं को पूरी करना चाहता है और लुसीफर यानी कि शैतान कैसे करेगा वो जिस जिसके अंदर पाप का बीज है उसके वजह से और उसी का इस्तेमाल कर वो अपनी लालसाओं को पूरा करेगा yes no. इसका मतलब है कि हम सब जब मसीह जीवन जीते हैं जब आप और मैं मसीहत में आ जाते हैं जब यशु में आ जाते हैं तो हम सबको यह समझना होगा कि शैतान ने एक ऐसा बीज बोया है जिसके अंदर से वो अपनी लालसाओं को पूरा करना चाहता है तो इसका रिकॉर्ड यीशु ने दे दिया यौना को ना पाउलूस को क्या मिला वो भी रख रहा हूं यौना माफ करें रोमियो की किताब उसका छठ अध्याय वचन बारा बहुत ध्यान से सुनिएगा कल भी जिक्र किया था लेकिन आज उसका पूरा दे रहा हूं लिखा है इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे तो इसको उल्टा करते तो इसका मतलब क्या है पाप मरणहार शरीर में राज्य करता है या, या <laughs> वापस बोलना पड़ेगा देखो पौलूस क्या कह रहा है कि पाप तुम्हारे मरण हार शरीर में राज्य ना करे तो उसको उल्टा करना पड़ेगा इसका मतलब है कि जिसका उद्धार नहीं हुआ है उसके शरीर में ये पाप राज्य करता है सी दूसरी लाइन देखो थैंक यू रेखा जी अब दूसरी लाइन देखो लिखा है कि तुम लिखा है कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन हो या रहो ताकि तुम उसकी लालसाओं के रहो वापस से ऊपर से कॉन्टेक्स देखे इसलिए पाप तुम्हारे मन रा शरीर में ना, राज्य ना करे कि तुम कि तुम ये शब्द है ये कॉन्टेक्स है की तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो इसका मतलब है कि सुनो 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 इसका मतलब है कि जिसका उद्धार हो जाता है उसको ऐसी ताकत और ऐसी क्षमता और ऐसी पावर मिलती है कि वो लुस्सीफर के बीज जिसको कहते हैं लालसाओं को वो रोक सकता है ओके 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 वो रोक सकता है लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का पावर नहीं है जिसका आत्मा नहीं जी उठा है उसकी तो हालत खराब है क्योंकि उसके ऊपर ये लालसाएं राज करती है ये लस्ट काम करता है ये डिजायर काम करता है ना अब आपको जीसस क्राइस्ट आपको समझना होगा कि कितना कुछ इस एक शब्द में जिसको कहते हैं लालसा तो वापस रख रहा हूं क्योंकि अब आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं आप लोग मेरे मैसेज को समझ रहे होंगे कि फिर से आपके बीच में पीछे से आ रहा हूं जो कि मैं बता चुका हूं कि पाप ये चित्र बताता है पाप और इसको देखना होगा पाप को एक वायरस की तरह देखना होगा जो फैल गया है पूरे संसार के अंदर इस पाप के वायरस का एक ही काम है अपनी लालसा पूरा कराना शब्द को देखे पूरा कराना इसका मतलब है जी रेखा जी सब ठीक है आपको दिक्कत हो रही है सुनने में या yeah, सब ठीक है ओके okay, वंडरफुल इस पाप के वायरस का एक ही काम है जी वापस बोलिए जी ओके ओके थैंक यू ओके इस पाप के वायरस का एक ही काम है अपनी लालसा पूरा कराना अपनी लालसा पूरा कराना और जिसको मैंने अभी ये वचन रखा आपके सामने यूट्यूब के लोगों आप भी ध्यान से सुनेगा कि लूसीफर की एक ऐसी बात पर से ईशु ने पर्दा उठाया यहां पे और वो यीशु कहते हैं कि लुसीफर के पास अपनी डिजायर्स हैं, लुसीफर के पास में अपनी लालसाएं हैं और जिसको पौलूस कहता है इसीलिए जी वापस आता हूं इसीलिए लिखा है तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो इसका मतलब है आज थोड़ा दिक्कत हो रहा है गले में जी वापस आ रहा हूं इसका मतलब है कि हम सभी अगर उधार पाए हैं तो लालसा को पूरा नहीं करेंगे लेकिन अगर उधार नहीं पाए हैं, तो तो गई भैंस पानी में। <laughs> Now, ये शब्द देखिए, लिखा है इस पाप के वायरस ने मनुष्य को बहुत ध्यान से देखिएगा अगली लाइन इस पाप के वायरस ने मनुष्य को खुद के लिए ही जियो रिपीट करता हूं खुद के लिए ही जियो इस लेवल तक ले आया और जिसको कहते हैं कि मी आई माई सेल्फ या, या। <laughs> जितने रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वापस आता हूं मैं बहुत धीरे जा रहा हूं क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा सेंसेटिव है इसको समझना बहुत जरूरी है अभी 380 के आसपास जो भी जुड़े हैं मुझे नहीं पता कि शायद आ, त, आ, इंटरनेट का दिक्कत है एक बार साढ़े चार सौ दिखाता है एक बार अचानक से नीचे गिर जाता है सौ का आंकड़ा नहीं पता क्या हो रहा है बट एनी anyway, आगे बढ़ेंगे वापस आ रहा हूं इस पाप के वायरस ने मनुष्य को खुद के लिए ही जियो इस उस लेवल तक ले आया जिसको लिखा है नीचे मी आई माई सेल्फ अब आप सोच के देखिए एक ऐसा पाप जो मनुष्य ने कर बैठा आदम की बात कर रहा हूं उसके बाद जितने भी पाप के अधीन होते चले गए बच्चे के बच्चे पैदा होते चले गए बहुत ध्यान से सुनिएगा उस वायरस के साथ पैदा होते हैं आपके बीच में रख रहा हूं इस वायरस के साथ पैदा होते हैं मोदी साहब ने भारत के मोदी साहब ने प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन निकाली है कोरोना वायरस की यह तो अभी की बात है लेकिन आप जानते हैं अगर ईशु का वैक्सीन जिसको कहते हैं द ब्लड ऑफ जीसस, अगर वो इंजेक्शन नहीं लिया मैं वापस कहता हूं डंके की चोट पे किसी भी जाति धर्म का किसी भी उच्च निच जाति का किसी भी अपर कास्ट लोअर कास्ट रोडपति करोड़पति ऐसा वाला वैसा वाला पैसा वाला अगर यीशु का वैक्सीन द ब्लड ऑफ जीसस उसके लाइफ में नहीं है ये वायरस जब तक वो मर नहीं जाता ये वायरस उसमें काम करता रहता है करता रहता है करता रहता है या yeah, करता रहता है क्या दुख की बात है क्या दुख की बात है माय गुडनेस मुंह पे मास्क लगाओ आपको वह कोरोना नहीं होगा आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा आप जो है घर से ज्यादा बाहर मत निकलो आपको कोरोना नहीं होगा आप जो है ना क्या कहते हैं उसको काढ़ा पियो ऐसा करो वैसा करो इम्यूनिटी बढ़ाओ और ना जाने क्या क्या यह सारा का सारा मैसेज इसलिए आया है क्योंकि पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा शब्द खड़ा हो गया जिसको कहते हैं कोरोना जिसको कहते हैं कोरोना सोच के देखिए ऊपर बैठा परमेश्वर कब से अपनी बाइबल दे के बैठा है कब से अपना वचन दे के बैठा है कभी अब राम को भेजा कभी इसाक को भेजा कभी याकूब को भेजा कभी मूसा को भेजा कभी उसने दाऊद को भेजा नबियों को भेजा मसीहा ईशु को भेजा पात्रस पौलुस और डाजा मुझ जैसे दस टक्काओं को भेजकर यही कह रहा है कि मुंह में मास्क रखो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो भला क्यों क्योंकि पाप का वायरस फैल रहा है पाप का वायरस फैल रहा है या 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 माय गुडनेस <laughs> मैं फिर रख रहा हूं यह एक ऐसा वायरस है जो मनुष्य को अटैक कर रहा है और कहता है कि खुद के लिए जियो खुद के लिए जियो मी आई माई सेल्फ ना अब इसको देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा है पाप और लालसा का कनेक्शन आपके बीच में देने जा रहा हूं मैं रिपीट करता हूं कि पाप और लालसा का कनेक्शन लालसा मतलब लस्ट लालसा मतलब डिजायर ठीक है ना सिंफुल डिजायर जी मैं उसके ऊपर आ रहा हूं ना उत्पत्ति की किताब उसका तीसरा अध्याय वचन एक से लेकर छह तक का टोटल डिटेल में जाएंगे रिपीट करता हूं द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर थ्री वन टू सिक्स इसके डिटेल में जाएंगे डिटेल समझते हैं इसकी डेप्थ में जाएंगे इसकी गहराई पे जाएंगे क्योंकि जेनेसिस की स्टडी में मैं जरूर गया था लेकिन एंगल अलग था अभी जो एंगल है वो अलग है इसलिए उसको अलग एंगल से हम देखेंगे ठीक है ना ना मैं समझता हूँ देख लो मैं समझता हूं कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा वचन एक क्या कहता है uh, सिर्फ बोलो कि आवाज ना करें मेरे घर पे एक पेट है जिसकी आवाज़ बहुत आ रही है मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करा रहा, रहा हूँ ठीक है ना अभी अभी आया है तो छोटा है आवाज़ बहुत कर रहा है बस उसको संभाल ना क्या है वो उसका कौन सा क्या बोलते है? कौन से जात का काकनी नाम बहुत विचित्र है आदमी भी मतलब जानवर भी विचित्र है चलिए बैठिए चलिए वापस आ रहा हूँ या नीचे कौन है वैसे है ना हाँ ओके, वापस आ रहे हैं जी ये एक से लेके डिटेल का का में जाना होगा यूट्यूब के लोगों आप लोग भी ध्यान से सुनेगा मैं थोड़ा एसी को ठीक कर लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा गर्म हो रहा है या टॉपिक ही सेंसेटिव है ना <laughs> चलिए वापस आ रहा हूं सबसे पहला वचन आपके बीच में रख रहा हूं लिखा है यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए मतलब जितने भी क्रीचर्स या जितने भी जानवर या चार पैर वाले दो पैर वाले जिसको कहते बनेले पशु बनाए बहुत ध्यान से सुनेगा क्या करो यहां पे बात अपो है मैं बता चुका हूं पहले भी अपो का मतलब है दृष्टांत के रूप में तो यहां पे लिटरली किसी एनिमल की बात नहीं हो रही है ये भी बताता चलो क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सांप कैसे बात कर सकता है सांप कैसे चल सकता है सांप को क्या मुंह था तभी बहुत सारी लॉजिक लगाते लेकिन एक सेप नहीं भूल समझ पाते कि यह अपोक्लिप्टिक है मतलब चिन्ह के रूप में बात हो रहा है क्या कभी गेहूं वचन हो सकता है लेकिन बाइबल कहते कि वचन गेहूं है अब आप सोच के देखिए क्या चिड़िया दुष्टात्मा हो सकती है लेकिन बाइबल कहती है कि चिड़िया दुष्टात्मा है बिच्छू जब मैं आऊंगा ना हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर उसके टाइम पे इसका पूरा खुलासा करूंगा तो यहां पे परमेश्वर का दास जिसका नाम है मूसा उसको परमेश्वर ने ऐसी भाषा में बात करी कि अधन के बगीचे में जब मैंने सृष्टि करी थी तो वहां पर कहता है यह होवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए थे उन सब में सांप स्नेक सर्प द्रुत था मतलब था चालाक था होशियार था ये उसकी बात कर रहा है लेकिन आपको बता चुका हूं तब भी और अब भी ये लिटरली बात नहीं है ये फिर कहता हूं कि सांप की बात नहीं है यह अपोक्लिप्टिक छिन्न के रूप में बात हो रही है दरअसल परमेश्वर कह रहा है कि ये शैतान है जी तो आइए देखते हैं क्या हुआ उसने शब्द को ध्यान दीजिएगा लिखा है उसने किसने शैतान ने या सांप ने हवा के हिसाब से ठीक है ना लिखा है उसने उससे कहा या स्त्री से कहा क्या सच है देखो उसका अटैक कहां पर है कहता है क्या सच है जी हां ऑब्वियस है सच है लेकिन लुसीफर जांचना चाहता था औरत को लुसीफर जांचना चाहता था हवा को यह वही है जैसा यीशु के पास आया कौन यही शैतान मती का चार का चार, लुका का चार का चार। उसने भी कहा लिखा है लिखा है लिखा है वो तो शुक्र है शुक्र क्यों वो तो ऑबियस है ये ने कहा तू नहीं जानता ऐसा भी लिखा है ऐसा भी लिखा है और जिसके चलते मैं समझता हूं कि हवा को भी उसने वैसे ही दाव दाव समझते है? चाल या पैटर्न वही पैटर्न यूज किया उसने कहा कि चलो चेक करते कि औरत क्या कहती है अब जरा ध्यान से सुनीगा ये कहता है स्त्री से क्या सच है क्या देखिए के परमेश्वर ने कहा अब इसको देखे तुम ये जो शब्द है ना तुम यहां पे मैंने उसको लाल से स्पॉट किया है बताए क्यों क्योंकि यहां पे लुसीफर वापस दिखाना होगा वापस दिखाना होगा लूसीफर ने जो वायरस फैलाया है उसका मकसद एक है कि, कि खुद के लिए जियो ये देख लीजिए जिसके चलते लिखा है मी आई माई सेल्फ तो उस लेवल पे लाके रखा है और उसकी शुरुआत हुई थी यहां से वापस दे रहा हूं इसकी शुरुआत हुई थी यहां से कि तुम यह शब्द देख ले कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना स्त्री ने कहा स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना दरअसल परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था परमेश्वर ने कहा था कि सब खाओ लेकिन सिर्फ एक पेड़ का फल नहीं खाओ लेकिन उसकी चाल देखो उसने कहा कि वाटिका के कि किसी वृक्ष का तो सबसे पहला यह फंसा रहा है आप लोग नहीं समझ रहे हो अगर जो समझ रहे हैं तो जरा थम बता दीजिए मैं रिपीट करता हूं कि उसने ऐसा टेक्निक यूज किया उसने कहा वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल नहीं करना क्वेश्चन मार्क क्या ऐसा है अब आइए मैडम का जवाब वचन दो स्त्री ने सांप से कहा यानी कि शैतान से कहा उसने कहा कि इस वाटिका के वृक्षों अभी ये आ गया प्लूरल बहुवचन कहता है कहती है माफ करें वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं <laughs> जबकि वो कह रहा है कि क्या तुम किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते ना 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 नाना साहब तुमको नहीं पता है तुम गलत बोल रहे हो वो कह रही है कि वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं वी कैन ईट हम खा सकते हैं वचन तीन पर शब्द पे ध्यान दीजिएगा लिखा है पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है बड़े ध्यान से देना कि ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना नहीं तो मर जाओगे इसको कहते हैं कि सीधी और क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट जो हवा के मुंह से निकली और यह यहां तक ठीक है इसको कहते हैं पहली बार का पहला मार अच्छा वापस बोलना पड़ेगा इसको कहते हैं पहली बार का पहला मार इसको कहते हैं फर्स्ट शॉट ऐसा तगड़ा दिया कि लुसिफर यानी कि शैतान उसको पता चल गया कि मैडम एक बार में मेरे झांसे में नहीं आने वाली वचन चार लिखा है कि तब स्त्री ने माफ करे तब सर्प ने स्त्री से कहा यानी कि हवा से अब देखो वापस आ गया तुम ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा लिखा है तुम निश्चय ना मरोगे अब उसका अटैक है ना अभी फल नहीं है अब उसका अटैक है ना कहां आ गया पता है कि जिस पेड़ को मना किया है ना उस पर अटैक है अभी रे वापस बोलना पड़ेगा शायद उसका पहला अटैक क्या था कि को, कोई भी पेड़ का फल नहीं खाना है उसका पहला अटैक ये था तो जब मैडम ने उसको जवाब दे दिया कि ना 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 ऐसी बात नहीं है दरअसल एक पेड़ का फल नहीं खाना है अगर उसको खाएंगे तो मर जाएंगे तो लुसीफर का अटैक अभी चेंज हो गया उसका उसका जो टेक्निक है ना वो चेंज हो गया वो क्या कहता है कि तू नहीं मरेगी तुम नहीं मरोगे तुम निश्चय नहीं मरो देखो कितना कॉन्फिडेंट है वो कहता है नहीं मरोगे तो इसका मतलब है कि जिसको कहते ना परिणाम जिसको कहते ना उसका उसका उसका, उसका बदला इंग्लिश वर्ड क्या है एनी anyway. या yeah, जो भी है उसका परिणाम ये न, नहीं, नहीं 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 उसका परिणाम नहीं होगा तो कभी नहीं मरेगी जैसे ही उसने सुना आंखें खुल जाएगी ये शब्द तुम्हारी क्यों बोला क्योंकि उसको पता था कि औरत को भी खाना है और आदम को भी खाना है तो उसने सबसे पहले कन्वे किया बहुत ध्यान से सुनेगा नहीं मरोगे फिर कहता एड किया एक शब्द को ऐड किया उसने कहा कि तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और फिर कहता है कि तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे अब यहां पे पॉज दीजिए पॉज समझते हैं ना अब जरा रुक जाइए यहां पे रुक जाइए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप जितने भी 400 लोग अभी देख रहे हैं पॉज हो जाइए और YouTube पे जितने लोग देख रहे हैं आप भी पॉज हो जाइए इस घटना को अभी जो आप देख रहे वचन पांच में और वचन छह में इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप है एक दिन का दो दिन का एक महीने का मुझे नहीं पता लेकिन बातों से पता चलता है कि गैप है मैं आपको बताता हूं कैसे वचन चार कहता है कि तब सर्प ने स्त्री से कहा और क्या कहा वचन पांच तक और उसने ऐसा कन्वे किया कि तुम परमेश्वर बन सकते हो तुम्हारी आंखें खुल सकती है तुम भला बुरा सब जान सकते हो तो वचन छे का शुरुआत देखो क्या कहता है कि सो जब स्त्री ने देखा तो इसका मतलब क्या है यह कौन सी भाषा है इसको कहते हैं लालसा लष्ट पूर्ण उस, उसके मन में एक इच्छा पैदा कराने की बात आई उसके मन में एक ऐसी बात आ गई कि यह जो व्यक्ति जिसका नाम है सांप हालांकि उसको नहीं पता लेकिन वो लूसीफर था वो कह रही है कौन स्त्री लिखा है जब उसने देखा कब देखा एक दिन बाद कब देखा दो दिन बाद वापस कहता हूं अपो है इसका मतलब है कि यहां पर शब्द जो देखा है ना वो लिटरली देखने की नहीं है वो तो ये तो पक्का है कि जिस दिन से आदम और हवा की आंख खुली बगीचे में या उनको पता चला कि हम करते हैं बगीचे में उस दिन से देख रहे हैं ये वो देखना नहीं है ये लिटरली देखना नहीं है ये आत्मिक देखना है दूसरे शब्दों में जब उसने देखा कौन सी नजर से एक ऐसी नजर से जिसको कहते हैं लालसा की नजर से माई गुडनेस <laughs> वो पहले से देख रही थी लेकिन तभी लालसा नहीं थी वो पहले से उसके पास खड़ी थी आती जाती थी कभी राइट कभी लेफ्ट कभी इधर से कभी उधर से लेकिन उसने कभी ऐसे नहीं देखा अब आप लोग पूछना चाहते कैसे वापस कहता वचन पांच को देखेगा परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे जैसे ही ये लालसा जैसे ही ये डिजायर जैसे ही ये लस्ट इस औरत में आ गया लिखा है जब स्त्री ने देखा कब देखा ऐसी लालसा से देखा ऐसी लालसा से देखा या 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 थैंक यू डॉक्टर सिमरन या गॉड ब्लेस यू वाह मुझे एक एग्जांपल देने दीजिए मुझे एक एग्जांपल देने दीजिए <coughs> कैसे दूं लेकिन आपको गुस्सा भी आ सकता है आप अपसेट भी हो सकते हैं लेकिन मेरी मजबूरी है मेरे को देना पड़ेगा देखिए जो घर पे औरतें होती हैं जो घर पे बहने होती हैं जो घर पे माए होती हैं जो घर पे बहू होती है जो घर पे किसी की भाभी होती है आपको उसका देखने का नजर और जब आप शॉपिंग मॉल पे होते हैं जब आप सड़क पे होते हैं उन औरतों को देखने का नजर अब आया समझ में चेंज है ना चेंज है ना यू डू वलो आप भी बताइए चेंज होता है कि नहीं देख होता है वैसे ही इस औरत को जीसस क्राइस्ट इस औरत को पहले कोई दिक्कत नहीं थी, थी पेड़ से यह पचास बार देखती थी लाखों बार देखती थी लेकिन जैसे ही सांप ने कहा कि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे इसने ऐसी बीज को उजागर कर दिया एक ऐसी बात को उजागर कर दिया जिसको कहते हैं लस्ट जिसको कहते हैं लालसा जिसको कहते हैं लालसा और फिर लिखा है कि उस वृक्ष का फल खाने में कौन कह रही है औरत कह रही है so, जब स्त्री ने देखा कि उस का फल खाने में अच्छा देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया उसने भी खाया अब इसका कनेक्शन ये फोटो के साथ दे रहा हूं और मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं या। <laughs> शायद कुछ लोगों को मैसेज मिल गया और कुछ लोग बहुत स्मार्ट हैं और वो समझ गए होंगे कि इन दोनों का कनेक्शन क्या है मैं कनेक्शन दे रहा हूं इन दोनों का आपने कभी याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन चौदह से सोलह तक कभी ध्यान दिया है लिखा है परंतु प्रत्येक व्यक्ति पुरुष या स्त्री अपनी ही अभिलाषा में खिंच कर फंस कर परीक्षा में पढ़ता है वचन पंद्रह फिर अभिलाषा याद रखो अभिलाषा लस्त अभिलाषा गर्भवती होकर टाइम लेती है कितना टाइम लेती है कम से कम नौ महीना कम कम से कम इसलिए क्या लिखा है जब स्त्री ने देखा तो उसका मन में लालसा पैदा हुआ तो लालसा ने थोड़ा वक्त लिया वक्त क्या लिया कि वो देखो पेड़ कितना अच्छा है देखने में कितना मन भाव है बुद्धि देने के लिए कितना छाने योग्य उसमें से उसने तोड़कर खाया दूसरे शब्दों में वो प्रेग्नेंट हो गई थी लस्ट से वो गर्भवती हो गई थी लस्ट से ये ऐसा वायरस है जो बहुत जल्दी कैच करता है आई विश कि मैं आपको और भी अच्छे से इसको समझा पाता बट मैं समझता हूं कि ये काफी आप लोग समझ रहे हो अगर आप लोग समझ रहे हैं तो थोड़ा सा थम बता दीजिए प्लीज सब लोग अगर समझ रहे हैं या थैंक यू सर थैंक यू मैडम थैंक यू सिस्टर्स ब्रदर्स वाह माई गुडनेस माई गुडनेस इन दोनों का कनेक्शन यहां पे रखा है फिर अभिलाषा गर्भवती का टाइम लेती है और लिखा है पाप को जनती है आज्ञा तोड़ना ब्रैकेट में आज्ञा तोड़ने के लिए आपको मजबूर कर देती है क्यों क्योंकि पाप ने गर्भ धारण कर लिया है और वक्त आ गया है पाप को पैदा करने का देखो क्या लिखा है वो पाप को जनती है इसका मतलब है लस्ट बहुत ध्यान से सुनिए फेसबुक और जूम के लोगों लस्ट जब पेट में आ जाता है और उसको गर्भ मिल जाता है जब वो लगता है तो आपको समझना होगा कि लस्ट आपसे एक ही चीज करवाता है और वो है आज्ञा तोड़वाता है मैं रिपीट करता हूं आज्ञा तोड़वाता है आज्ञा तोड़वाता है और आपसे आज्ञा तोड़वाता है जिसको कहते पाप हो जाता है यस और नो और लिखा है पर जब बढ़ जाता है माफ करें जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है तो सबसे पहला लस्ट, फिर उसके उसके बाद बाद में में पाप और उसके बाद में फाइनल है मृत्यु हे मेरे प्रियो वचन सोला कहता है धोखा ना खाओ मैं रिपीट करता हूं धोखा ना खाओ इसका मतलब है कि इस औरत ने यहां पे जब पहली बार लस्टफुल लस्टफुल, डिजायरफुल आंखों से जब उस भेड़ को देखा जब उसने उस फल को देखा तो बच्चा जैसे पेट में आता है वैसे पाप उसके पेट में पनपने लगा और उसी को कहते हैं कि तब उसने खुद तो खाया खाया उसने अपने पति को भी खिलाया और मैंने कहा था कि उसने अपने पति को सिर्फ खिलाया नहीं उसने कन्वेंस किया कि इसको खाओ इसमें बहुत मज़ा है इसको खाओ इसमें बहुत अच्छा जीवन है इसमें हम हैं इसमें परमेश्वर नहीं इसमें हम हैं इसमें मी आई माई सेल्फ माई गॉड कैसा लग रहा है आप लोगों को जरा सोच के देखिए क्या गजब की चीज़ परमेश्वर इस डीटी के माध्यम से आपको और मुझे सिखा रहा है या 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 मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से जी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग आप जब टीचिंग को सुनते हैं अभी आप लोग ले रहे हैं नौ हफ्ते से आप लोग ले रहे हैं इसको प्लीज यूं ही नहीं सुनना अरे ना चलो अच्छा बोल दिया अरे डैनियल भाई कितना अच्छा बोलते हैं ना 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 आपको इसको ऐसे लेना है कि आप खुद ऐसे प्रिपेयर हो जाओ कि आप दुनिया को सिखा सको इन सारी बात डीटी का मतलब यही है या इसका कनेक्शन आपको दे चुका हूं ना